हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में एप्सन का प्रिंटर L3250 मॉडल को रिपेयरिंग करने वाले हैं। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें रेड लाइट कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है और इसमें प्रिंटिंग नहीं हो रही है। और एरर जो स्टेटस हम चेक करते हैं प्रिंटर का, तो उस प्रिंटर में पेपर जाम का एरर दिखा रहा है। दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है, मैं आपको सेकेंडों में बताऊँगा इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ से प्रिंटर को ऑन करके आपको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्तों जैसे हमने प्रिंटर को ऑन किया है वैसे ही आप देख सकते हैं रेड लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है कंटिन्यू, और इसमें पेपर जाम का जो है एरर दिखा रहा है। या स्टेटस चेक करते हैं तो एरर कोड आपको लिख के आ रहा होगा, चाहे एरर कोड कुछ भी हो। दोस्तों इसको ठीक करना है आपको, मैं इस वीडियो में बताऊँगा कैसे ठीक करना है। तो मैं यहाँ से वायर को निकाल देता हूँ और प्रिंटर को हम जो है ओपन करेंगे। तो आपको बिल्कुल धैर्य से आराम से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी दोस्तों आपको। तो हमने जो है यहाँ से वायर को निकाल दिया है और यहाँ से हम जो है प्रिंटर को ओपन करेंगे। तो आपको यहाँ से इस तरीके से आपको पकड़ के नीचे करेंगे तो आप जो है इसका कवर खुल जाएगा। उसके बाद किसी किसी प्रिंटर में क्या होता है, इस जगह पर स्क्रू लगा होता है, तो आपको यहाँ से स्क्रू को हटा लेना है। उसके बाद जो है आप ऊपर करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से आपको रिमूव कर लेना है इसको। यहाँ भी एक आपके पास स्क्रू होगा तो आप उसको भी ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको इस वायर को जो है पावर का, इसको आपको हटा देना है। दो स्कैनर का वायर है, इसको भी आपको हटा के और आपको स्कैनर को पकड़ के लेफ्ट साइड प्रेस करेंगे हल्का सा, तो ये जो स्कैनर है वो ईजिली निकल जाएगा। उसके बाद आपके जो प्रिंटर में डस्ट वगैरह है उसको आप सफाई करेंगे किसी कपड़े से, या आपके पास ब्लोअर हो तो आप उससे भी सफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से साइड पार्ट जो है इसको हटा देता हूँ ताकि और आसानी हो हमें डस्ट वगैरह सफाई करने में। फिर आपको अच्छे तरीके से आपके प्रिंटर में जो भी डस्ट है आप उसे हटा देंगे, सफाई करेंगे अपने प्रिंटर को अच्छे तरीके से ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों इसमें जो रेड लाइट का प्रॉब्लम था, किस कारण आ रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं सर्कल जो बना हुआ है प्लास्टिक का है ये, इसके अंदर अगर डस्ट होगा तो ये जो सेंसर है वर्क नहीं करता है ठीक से, इसलिए रेड लाइट जो प्रॉब्लम है वो आ जाता है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं इसको। फेविक्विक से चिपका हुआ होता है ये, तो आपको अच्छे तरीके से हटा लेना है। देखिए जैसे मैंने हटाया है आपको भी वैसे ही हटा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको सफाई करना है। यहाँ आपका सेंसर है, इसको भी सफाई करना है और इसे भी सफाई करना है। तो मैं यहाँ से सॉफ्ट कपड़ा ले लेता हूँ और इससे जो है सफाई कर देता हूँ। आपको भी इसी तरीके से सफाई कर लेना है इस चीज़ को। अगर इससे भी नहीं ठीक होता है तो मैं आपको अगली वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना डस्ट निकला हुआ है। उसके बाद आपको करना क्या है, जो हमारा सेंसर है इसको भी आपको अच्छे तरीके से सफाई कर लेना है, डस्ट वगैरह आपको सही से सफाई करना है। सेंसर साफ करने के बाद आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा डस्ट निकला हुआ है। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व हो जाएगी, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। दोस्तों फिर आपको करना क्या है, जो आप फेविक्विक यूज़ करते हैं नॉर्मल, उस फेविक्विक से आपको इस चीज़ को चिपका देना है इस जगह पर। तो मैं यहाँ से जो है फेविक्विक ले लेता हूँ जो कि बहुत कम कीमत में मिल जाता है आपके आसपास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फेविक्विक साइड साइड से आपको लगा देना है, जो बीच में सर्कल बना हुआ है उसके अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है सेंसर में टच करके इस तरीके से। तो दोस्तों हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है, अब आपको थोड़ा वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ये सीख ठीक से चिपकेगा नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है और आ जाता है। उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा प्रिंटर जो प्रॉब्लम आ रहा था रेड लाइट ब्लिंकिंग का, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। इसके लिए मैं स्कैनर लगा लेता हूँ, बाकी बात हम बाद में फिट करेंगे चेक करने के बाद। तो मैं यहाँ से स्कैनर जो है लगा देता हूँ यहाँ पर, अच्छे तरीके से लगाएंगे ये लग जाता है बहुत ईजी तरीके से। तो आपको इस तरीके से स्कैनर को फिट करना है।
और आपको यहाँ पे जो वायर है, जो हमने वायर निकाला था, वो आपको वायर जो है फिट कर देना है। मैं ऐसे वायर को लगा देता हूँ, आपको भी ध्यान से वायर लगाना है दोस्तों। वायर अगर सही से नहीं लगेगा तो फिर भी आपका प्रिंटर वर्क नहीं करेगा, तो आपको अच्छे तरीके से जो है लगा लेना है। उसके बाद आपको जो पावर का वायर है आपको इसको भी लगा देना है। हमने जो है तीनों वायर जो लगा दिया है, उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारा प्रिंटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, रेड लाइट प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हुआ या नहीं। इसके लिए हमने पावर केबल यहाँ पे अटैच कर दिया है, लगा दिया है, उसके बाद हम चेक करेंगे। इसके बाद आपको प्रिंटर को ऑन करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हेड जो है हमारा मूव कर रहा है। आपको थोड़ा वेट करना है दोस्तों, अगर हमें इसे साफ करने से अगर हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो हम यहीं तक रह जाएंगे। अगर नहीं होता है तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेड है वो अच्छे तरीके से मूव कर रहा है और रेड लाइट जो प्रॉब्लम था वो समाप्त हो चुका है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे यूएसबी केबल लगाते हैं और कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से यूएसबी केबल जो है लगा देता हूँ ताकि हम इसका स्टेटस जो है चेक कर पाएँ। हमने यहाँ पे यूएसबी केबल लगा दिया है और हम अपने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको स्टेटस चेक करके बताते हैं कि इस पर अभी स्टेटस क्या शो हो रहा है। वास्तव में हमारा एरर जो है जो पहले था वही है या चेंज हो गया है। मैं यहाँ से आपको एक प्रिंट करके पहले दिखाता हूँ, उसके बाद जो है स्टेटस चेक करके बताऊँगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और मैं आपको पहले स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा प्रिंटर का स्टेटस क्या है, बाद में हम जो है प्रिंट कर लेंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर पे और फिर आपको डेस्कटॉप पे आना है और आपको यहाँ पे विंडो आर प्रेस करना है, कंट्रोल पैनल सर्च करना है, उसके बाद प्रिंटर पे क्लिक करना है। जो आपका प्रिंटर है उस पर राइट क्लिक करना है और प्रिंटिंग प्रेफरेंस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद मेंटेनेंस में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हेड क्लीनिंग का, पावर क्लीनिंग का जो ऑप्शन है आप इसे ठीक कर सकते हैं अगर नहीं होता है तो। उसके बाद मैं मॉनिटर स्टेटस चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं रेडी हो चुका है प्रिंट के लिए, तो हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद मैं आपको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ कि प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर ये प्रिंट हो गया तो आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और चैनल पर पहली बार हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों हम यहाँ पे जो है प्रिंट पे प्रेस करते हैं तो हमारा प्रिंटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, देख सकते हैं मैंने प्रिंट के लिए कमांड दे दिया है और देखते हैं हमारा प्रिंटर जो है प्रिंट कर पाता है या नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा प्रिंटर जो है प्रिंट करने लग गया है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। ये देख सकते हैं हमारा प्रिंट निकल के रेडी हो चुका है। दोस्तों इससे पता चल गया कि हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है और हम जो है साइड पार्ट इसका हम लगा देते हैं। तो आपको बहुत इजी तरीके से आराम से लगाना है, जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों। तो मैं आराम से इसको जो है आपको आराम से इसको लगा देना है, ये आराम बहुत इजी तरीके से लग जाता है। देखिए इस तरीके से आपको लगा देना है। ये वायर मेरा अंदर चला गया तो मैं इसको बाहर थोड़ा कर देता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपको वायर को ऊपर कर देना है। हाँ तो इस तरीके से आपको लगा देना है, ये साइड पार्ट जो है हमारा लग चुका है। उसके बाद आपको इसको अंदर करके और इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। आप ऊपर नीचे करेंगे तो देख सकते हैं ये एडजस्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप देख सकते हैं हमने जो प्रिंटर को है रिपेयरिंग कर दिया है, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।